नमस्ते, मैं शुभ्रा आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी कुकिंग चैनल शुभ्रास कुकिंग मंत्रा पे। दिवाली के शुभ अवसर पे मैं आज आपको बहुत ही आसान सा और स्वादिष्ट मिठाई सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है रसगुल्ला। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम छेना, 1 कप चीनी, इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून सूजी, केसर और 3 कप्स पानी। छेना को हम मसलिन क्लथ में डाल के इसका पानी निचोड़ना है। नहीं तो हम इसको हैंग करके आधा घंटा रख सकते हैं। इसके बाद छेना कुछ इस तरह से हो जाएगा। पूरा जैसे कि लम्स ना हो जाए। वैसे 10 मिनट तक हमें इसको मसलना है जैसे कि वो सॉफ्ट और हल्का ना हो जाए। तो फिर हम इसको ऐसे लेके छोटे छोटे बॉल्स बनाना है जैसे कि इसके बीच में दरारें ना आए। ऐसे बॉल्स गोल गोल हमें बनाना है। एक 150 ग्राम छेना में लगभग 15 रसगुल्ला बन जाता है। ये हो गया हमारा रसगुल्ला का बॉल्स। फिर हमने इसे चाशनी में डालना है। अब हम चाशनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए पहले हमें गैस ऑन करना पड़ेगा। फिर 1 कप चीनी, 1 कप चीनी में 3 कप पानी, फिर इसको चलाते रहना है। चाशनी में उबाल आ गया है और वो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी बना रही है। तो हम इसमें अभी जो बनाए हुए बॉल्स डालते हैं धीरे धीरे। उसको धीरे धीरे इसको थोड़ा सा स्टीम करके छोड़ देना है। बस इसके बाद इसको ढक्कन देना है। बस ढक्कन देके 10 मिनट तक छोड़ देना है। 10 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन खोल लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रसगुल्ले के साइज डबल हो गए हैं, इसका मतलब रसगुल्ला हो गया है। तो हमें गैस ऑफ करना है। अब हम इसको चाशनी के साथ बॉल में निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं रसगुल्ला कितना सॉफ्ट बना है।
अब बॉल में निकालने के बाद हम थोड़ा केसर डालेंगे। केसर ऑप्शनल है। तभी ये बन गया आपका रसगुल्ला।